वर्तमान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम, ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं, किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उस सांस के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक सांस के साथ सहज होते जाना है। जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उन सांसों के साथ सहजता में डूबते जाना है। गहरी सहजता ऊर्जा की तरंगों में, जो ऊर्जा, जो एनर्जी जागृत हो रही है, उस ऊर्जा की गहराई हमें डूबते जाना है। अनंत ऊर्जाओं की गहराई, अनंत संवेदनाएं, अनंत ऊर्जा की तरंगे, उन तरंगों में डूबते जाना है। अनंत गहराई में डूबते जाना है। सहज गहरे विश्राम में डूबते जाएं। गहरा विश्राम, गहरे विश्राम में डूबते जाएं। गहरे विश्राम में डूबते जाएं। अपनी चेतना शक्ति को आज्ञा चक्र में लगाकर रखें। आज्ञा चक्र में विज्ञान है और तंत्र की 55वीं साधना, जीवन का वो पल जो जागने के बाद और सोने से पहले आता है, उस बिंदु पर रुकना। जब आप सोने के लिए जाते हैं तो पूर्ण चेतनता में जाते हैं, और जब आंख बंद करके बिस्तर पर लेट जाते हैं तो अचेतन में जाने से पहले कुछ क्षण ऐसे होते हैं
जहां आप स्वप्न देखते हैं, दृश्य देखते हैं, कल्पनाओं को देखते हैं, आप पूरी तरह से जागे हुए भी नहीं होते और पूरी तरह से सोए हुए भी नहीं होते। उस बिंदु पर रुकना, यह है विज्ञान भैरव तंत्र की 55वीं साधना। ध्यान में जब हम अंदर उतरते हैं, गहराई में शांत होते चले जाते हैं, तब भी यही घटना घटित होती है। हम धीरे धीरे शांत होते चले जाते हैं, चेतनता से अवचेतन की ओर जाते हैं। कई बार ऐसा भी समय आ जाता है कि साधना करते करते अचेतन में पहुंच जाते हैं, जहां हमें स्वयं का होश नहीं रहता, सही का होश नहीं रहता, चेतना का होश नहीं रहता, ना तो बाहर का कोई शब्द आता है और ना ही कोई बात समझ में आती है। तो चेतन और अचेतन के बीच अवचेतन की स्थिति, उस स्थिति में रुकना है। जब आप अपने चक्कर में ध्यान लगाते हैं तो वहां जो कलर दिखाई दे रहे हैं, या काश दिखाई दे रहा है, या अंधकार दिखाई दे रहा है, या कोई दृश्य दिखाई दे रहा है, उसको देखना है तो उस पर ही रुकना है। और वह दृश्य जब तक चलते रहेंगे, जब तक आप अवचेतन पर रुके रहेंगे, वो दृश्य तभी धूमिल होते हैं जब आप या तो चेतनता में आ जाएं या फिर अचेतन में चले जाएं। जब तक आप अवचेतन में रुकेंगे, तब तक वो दृश्य चलते रहेंगे। ध्यान साधना में जब हम आगे बढ़ते हैं तो गहराई में जब डूबते हैं तो ये दृश्य सामने आना शुरू हो जाते हैं, और ये दृश्य ही हमें लुभाने लगते हैं। लेकिन साथ ही साथ सूक्ष्म जगत का संपर्क, स्वयं का संपर्क, स्वयं का जानने का माध्यम भी यही है। यही आप स्वयं को जान सकते हैं, सूक्ष्म शक्तियों को जान सकते हैं, सूक्ष्म जगत से संपर्क कर पाते हैं। वह अभिमान इसमें यहां समाया हुआ है। सभी देवी, सभी देवता, सभी संत, सभी महात्मा, जो तो कुछ भी ब्रह्मांड में हम देखते हैं, यत पंडे तत ब्रह्मांडे, पर सब कुछ इस अवचेतन में यह जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। यह अवस्था आपको आप से मिलवाती है, स्वयं की चेतना का अनुभव कराती है, स्वयं का अनुभव कराती है। नींद से पहले घटित होने वाली क्रिया प्राकृतिक व्यवस्था है। आपको इस अवस्था से गुजरना ही होता है।
चेतन और अवचेतन के बीच में इस चेतन की अवस्था में कुछ क्षण के लिए आंख को रुकना ही होता है। और इसी अवस्था में आप स्वप्न देखते हैं और यही अवस्था जब अचेतन से चेतन में आते हैं तो भी आती है। सोने के बाद जब जागने के लिए तैयार होते हैं तो भी आती है। आप जागने के लिए तैयार हो रहे हैं, अचानक चेतना वापस आ रही है। अभी आपने आंखें नहीं खोली हैं, आपके अंदर स्वप्न चल रहे होंगे। आंख खोलने से पहले आपके अंदर स्वप्न होंगे। स्वप्न की दुनिया, अवचेतन की दुनिया, विचारों की दुनिया, जन्मों के विचार, जन्मों की सोच वहां पर आपके सामने आ रही होगी। और जैसे ही आप चेतना में वापस आते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। इस अवचेतन में आप दूसरी दुनिया में होते हैं, एक जागृत अवस्था की दुनिया है, एक अवचेतन की दुनिया और तीसरी अचेतन की दुनिया। अचेतन में केवल एक गहरा विश्राम है, पूर्ण गहरा विश्राम, जहां कुछ भी नहीं है, गहरी समाधि। जब पूर्ण शून्य में पहुंच जाते हैं वो अवस्था। और चेतनता में आप सब कुछ कर रहे हैं, भौतिकता के सभी कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन आप चेतन में भी आप भौतिकता के सभी कार्य करते हैं। जो कुछ आप चेतन अवस्था में करते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा आप चेतन अवस्था में कर पाते हैं। चेतन अवस्था में जो कुछ भी आप कर रहे हैं वही भौतिक शरीर से कर रहे हैं, और शरीर की अपनी क्षमताएं हैं, लेकिन जब आप चेतन में करते हैं तो आप चेतन की सूक्ष्म शरीर से करते हैं, सूक्ष्म आत्म स्वरूप से, चेतना से करते हैं। और सूक्ष्मता की पावर हजारों गुना ज्यादा है। इसीलिए आप स्वप्न में वो सब कुछ कर गुजरते हैं जो आप चेतन अवस्था में करने की सोच भी नहीं पाते। सूक्ष्म जगत की पावर, सूक्ष्म शरीर की पावर, सूक्ष्म चेतना की पावर हजार गुना बढ़ जाती है। जो आप भौतिक चेतना में नहीं कर पाते वह सूक्ष्म जगत में कर पाते हैं। सूक्ष्म जगत में बहुत से ऐसे कार्य आप करते हैं जो चेतनता में सोच भी नहीं पाते। आपके स्वयं की पावर हजारों गुना बढ़ चुकी होती है। जैसे आप वहां पर उड़ सकते हैं, हजार लोगों का आप मुकाबला अकेले कर पाते हैं, देवी देवताओं के दर्शन कर पाते हैं, या और भी बहुत कुछ ऐसा कर पाते हैं जो आप सोच नहीं पाते, या जिनकी सोच केवल करने की आप कल्पना करते हैं, वो सब कार्य
उस अवचेतन की अवस्था में आप कर पाते हैं, उस स्वप्न की अवस्था में कर पाते हैं। यह अवचेतन की अवस्था बड़ी चमत्कारी अवस्था है। स्वयं को जानने की, स्वयं के अनुभव की, या स्वयं को भी जाना जा सकता है, स्वयं के स्वरूप को भी पहचाना जा सकता है, और पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भी आपको यहां हो सकता है। यहां कुछ भी छुपा नहीं है, यह आपके ऊपर है कि आप अवचेतन में कितना गहराई तक जा पाते हैं और कितने लंबे समय तक यहां रुक पाते हैं। यहां रुककर आप चमत्कार भी कर सकते हैं। चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है। इस संसार में जितने चमत्कार होते हैं वो अवचेतन की दुनिया से ही होते हैं। अवचेतन की दुनिया में बहुत का आप कुछ भी जान सकते हैं। ये सारे ब्रह्मांड का ज्ञान यहाँ है। आपने देखा होगा बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के पास जब आप जाते हैं और आप उनसे कोई सवाल रखते हैं तो वो कुछ पल के लिए आंख बंद करते हैं और अपनी सचेतन अवस्था में पहुंचकर आपके सवाल का जवाब ढूंढ कर ले आते हैं। आप उसको चमत्कार मानते हैं क्योंकि आप कुछ अवचेतन की दुनिया से अनभिज्ञ हैं। तो विज्ञान भाव तंत्र की ये 55वीं साधना एक महत्वपूर्ण साधना है। प्राकृतिक अवस्था में सोने के बाद और जागने से पहले ये घटनाएं घटती हैं। जब आप विश्राम के लिए जाते हैं, कमरे में अंधेरा होता है, आंख बंद कर लेते हैं और नींद आने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, बस उसी प्रतीक्षा में ये क्षण घट जाता है। आप नींद में चले जाते हैं, उस क्षण में रुक नहीं पाते। जागृत चेतना विलीन हो रही होती है लेकिन पूर्णतः विलीन नहीं होती, और चेतनता में व्याप्त नहीं होते। ये छोटा सा अंतराल है चेतन और चेतन के बीच का। एक दरवाजा जो चेतन से चेतन तक ये ले जाता है। आपको इस दरवाजे पर खड़ा होना है और इस दरवाजे पर खड़े होने में आपको लंबे अभ्यास की जरूरत होगी। लगातार साधना करने से सब सहज हो जाता है। और वहां पर सजग रहना है, सजगता से आप वहां स्वयं का अनुभव कर पाएंगे। जीवन और जीवन के सत्य और सब कुछ आप यहां अनुभव कर सकते हैं। एक अनंत गहराई, और जितना गहराई में डूबते जाएंगे उतना ही आप प्रकाश में अंदर प्रवेश करते चले जाएंगे। अंदर अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे, असत्य से सत्य की ओर चले जाएंगे, मृत्यु से अमृतत्व की ओर चले जाएंगे। सारा संसार बहुत दूर छूट जाएगा। गहरी शांति का, गहरे आनंद का अनुभव आप कर पाएंगे।
गहरी शांति का और गहरे आनंद का अनुभव जहां परमात्मा का अनुभव होगा, अनंत ऊर्जाओं का अनुभव होगा, वही गहरी शांति का भी अनुभव होगा। में डूबते हुए इस ऊर्जा का एहसास करते जाना है। धीरे धीरे आपका शरीर शून्य हो जाएगा, आपके विचार भी शून्य हो जाएंगे, तो आप अचानक इस अवस्था में पहुंच जाएंगे। आप जान सकते हैं कि मैं कौन हूं, स्वयं के असली रूप को देख सकते हैं, बाहर की मुस्कुराहट तो अधूरी है, बाहर आप मुस्कुराते हैं औरों के दिखाने के लिए, लेकिन यहां जो अंदर की मुस्कुराहट है, जो अंदर की खुशी है, वो स्वयं की खुशी है, स्वयं का आनंद है, स्वयं की शांति है। भीतर कोई बनावट नहीं है, आप जो भी है, जैसे भी है, वही सत्य है। वही सत्य आपका यहां प्रकट होता है। बाहर की दुनिया में तो झूठ के हजारों मकोटे आप पहन लें, लेकिन यहां आपके आपके अंदर की सच्चाई है। गहरी मुस्कुराहट, गहरा आनंद, गहरी प्रसन्नता, सत्य का आनंद, सत्य की प्रसन्नता, सत्य की खुशी, बाहर की दुनिया में तो भटकाव है, भ्रम है, और लगातार झूठ के सहारे हम जीते हैं। क्योंकि अंदर की दुनिया तो सच्चाई से चलती है, सत्य से चलती है। आपकी बनावट वहां काम नहीं आती, आपका झूठ भी वहां काम नहीं आता। आपकी चेतना जानती है कि आप क्या हैं, आपकी चेतना को पता है कि वह कहां आपको ले जाएगी। आप भौतिक स्तर पर कुछ भी सोचें, कुछ भी करें, लेकिन जब इस सूक्ष्म जगत में प्रवेश करेंगे तो आपको आपकी चेतना आपका ही आईना दिखाती है। स्वप्न तो आप निरंतर देखते हैं, लेकिन वो स्वप्न ऐसी अवस्था में घटित होते हैं कि आप उनका ध्यान नहीं देते। यहां इस स्वप्न की दुनिया को हम पूरी तरह से जीते हैं। जो कुछ भी प्रकट हो, हम यहां कोई कल्पना नहीं दे रहे, कोई विचार भी नहीं कर रहे हैं कि क्या हम प्रकट हो, क्या हम देखें, क्या महसूस करें, कोई भी कल्पना नहीं है, कोई विचार भी नहीं है। यहां
हूं तो केवल आपकी चेतना का सत्य है। आपकी चेतना स्वयं सत्यता को प्रदर्शित कर देगी। आप जो कलर देखेंगे उस कलर से भी आपकी सत्यता का एहसास होगा और जो भी दृश्य देखेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी सत्यता को प्रदर्शित कर रहे होंगे। अद्भुत गहराई में जाने के लिए, गहरी समाधि में जाने के लिए, उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। जब तक आप इसमें अवस्था से नहीं गुजरेंगे तो इससे अगली अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस अवस्था के गुजरे बिना आप सीधे परमात्मा से मिल जाएं। पहले तो आपको स्वयं से मिलना होगा, स्वयं को जानना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप उस परमात्मा के पास जा पाते हैं। गहरी दुनिया में डूबते चले जाएं, और जो भी दृश्य दिखते हैं उनको देखते चले जाएं, या जो भी घटित होता है उसका एहसास करते चले जाएं। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल केवल एहसास। अंत जगत का दर्शन, अंत जगत में प्रवेश, जीवन का एक नया अनुभव। सही शून्य होता जा रहा है, विचार खत्म हो चुके हैं, सिर्फ गहरी शांति, गहरा आनंद आपके अंदर प्रकट हो रहा है। खोते चले जाएं, चले जाएं, होते चले जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, अनुभवों को करते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, और दो गहरे लंबे सांस। सांसों का एहसास, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रफ करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आके खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।